हेलो बच्चों, मैं मनीराम मीना, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। हमारे इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक्स आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो पिछले वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा लेके चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने से पहले, मैंने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड जब बताया था तो उस पर धनात्मक आवेश के कारण निकलने वाला क्षेत्र रेडियल आउटवर्ड था और ऋणात्मक आवेश के कारण क्षेत्र रेडियल इनवर्ड्स था। तो उन्हीं से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगे। हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी धनात्मक आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखा, निकलने वाला क्षेत्र कितनी उसकी तीव्रता है, तो उसी से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताएंगे। तो हमने देखा था जैसे पिछले वीडियो सेक्शन में कि पॉजिटिव चार्ज है, उससे निकलने वाला क्षेत्र का है बाहर की ओर, और इस क्षेत्र की दिशा वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होगी, यानी लगने वाला बल क्या था, एफ बराबर क्यू। तो हमने देखा था कि किसी भी विद्युत आवेश या आवेशक का कोई भी समुदाय होता है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या करता है, कोई दूसरे आवेश को लाने पर यानी टेस्ट चार्ज क्यू जीरो को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, उस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्यों कैसे बताया कि जैसे मैंने कोई मेरे पर पॉजिटिव आवेश था, तो पहले की कहानी यह थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बताने के लिए अर्थात विद्युत बल रेखाओं को बताने के लिए क्या लाया था, डॉटेड लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया था कि निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, डॉटेड, और इनकी जो तीव्रता बताई गई थी वो इसी के आधार पर है। जैसे विद्युत इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखा क्या है, डॉटेड के रूप में दर्शाई गई। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया था, डॉटेडो के द्वारा दर्शाया गया था। अब इनकी तीव्रता के बारे में बात की, जैसे जैसे बाहर की ओर तरफ जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पास में आते हैं डॉटेड लाइन क्या होती है, पास पास में आती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। बाद में थ्योरी आई थी कि जो डॉटेड लाइनों को है उनको एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया कि क्यों आवेश के कारण निकलने वाला क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किससे प्रदर्शित, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को इससे निकलने वाली रेखाओं की संख्या पर डिपेंड किया कि इस क्षेत्र से कितनी संख्याएं निकल रही हैं, वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम पढ़ें, कहते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़े कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक क्या है, काल्पनिक क्या है, एक वक्र है, खींचा गया एक काल्पनिक क्या है, वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र एवं आइसोलेटेड चार्ज यानी एकांक धनावेश क्या करता है, चलता है, यही क्या कहलाता है, उस धनावेश का क्या कहलाता है, पथ कहलाता है। हमें यह भी पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा में कोई भी यदि आवेश है और वह यदि स्वतंत्र है तो उसकी दिशा, तो वह क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करना, चलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो क्या होगी, उसके आवेश की दिशा होगी। यदि हम एक वक्राकार मार्ग की बात करें तो वक्राकार मार्ग में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास कोई वक्राकार मार्ग है और आवेश इस पर मेरा यहां से चलने लगा है, ये आवेश यहां से यहां आया तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आवेश यहां से आया इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आवेश यहां, यानी जब जब आवेश वक्राकार मार्ग में चलता है विद्युत क्षेत्र यानी एकांक धनावेश क्या है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्रत्येक बिंदु पर जैसे जैसे आवेश की दिशा बदलती रहे विद्युत क्षेत्र की भी दिशा बदलती चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा है। विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में खींचा गया
खींचा गया वह काल्पनिक यानी इमेजिनरी, वह काल्पनिक यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी निष्कोण वक्र यानी स्मूथ कवर, स्मूथ कवर है जिस पर एक स्वतंत्र एवं आइसोलेटेड एकांक धनावेश, एकांक धन आवेश चलता है या गति करता है। दूसरे पॉइंट क्या कह सकते हैं, एक बात हम ये कह सकते हैं, दूसरी बात कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के रेखाएं बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एक, उस बिंदु पर स्थित, उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले, पर लगने वाले क्षेत्र की, लगने वाले क्षेत्र की यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यह भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स रेखा भी कह सकते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स रेखा रेखा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी कहते हैं। इसका मतलब यानी धन आवेश से निकलने वाली क्षेत्र की रेखाएं, निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, अब विद्युत ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम इनकी क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली बात, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, यही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे मेरे पास किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये, तो ए बिंदु मैं मान लेता हूं, जैसे ए बिंदु पर है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये बी बिंदु खींची गई, फिर ये क्या कहलाता है, बिंदु बी, तो इस पर खींचा गया रेखा ई बी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती। तो क्या कह सकते हैं, ए और बी बिंदु पर विद्युत स्पर्श रेखा से, ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र यानी ई ए की क्या दर्शाती है, दिशा को, यानी इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा। जैसे जैसे वर्काकार मार्ग में घूमता जाता है, वृत्ताकार मार्ग में घूमता जाता है, धनावेश एकांक धनावेश की दिशा बदलती चली जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदलती चली जाएगी। दूसरी बात कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है,
यानी क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी या कह सकते हैं फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कह सकते हैं या फोर्स ऑफ लाइंस, धनात्मक आवेश से चलती हैं, धनात्मक आवेश से चलकर कहां पर समाप्त होती है, ऋणात्मक आवेश पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे ये कोई मेरा धनात्मक आवेश है और ये मेरा कोई ऋणात्मक आवेश है। हमने क्या बताया था कि धनात्मक आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। यानी मैं मान लेता हूं इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर एरो, और कहां जाके समाप्त हो जाएंगे, ऋणास में, यानी यहां जाके क्या हो गई, एंट्री हो गई। यानी धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये क्या कर गए, यहां पर एंटर कर गए। अगर यहां देखें तो कैसे निकलेंगे, बाहर की ओर। यहां देखें तो कैसे, और यहां कहां से आ रहे होंगे, अंदर की ओर। यहां देखें तो कहां होंगे, बाहर की ओर। यहां देखो तो कैसे हो रहे होंगे, अंदर की। तो क्या कहेंगे, धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक पर आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरी बात कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती हैं और या जिस जगह पर मिलती हैं, दोनों जगह पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी जहां से चलते हैं, यानी पॉजिटिव धनात्मक आवेश से चली और ऋणात्मक आवेश पर रुकी, दोनों जिस बिंदु पर निकलती हैं, जिस बिंदु पर पहुंचती है, वहां दोनों पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। हमें इसकी तीन चार प्रॉपर्टीज पढ़ देंगे, हमें एग्जाम में दो या तीन प्रॉपर्टीज पूछता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं, अर्थात ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यही बात है कि इसको यही कहते हैं कि खुले वक्र की तरह होती। एक दूसरा, अगला, चौथा, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो अगला पॉइंट ये हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये समान दूरी पर रहे। अब हमें इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रॉपर्टी जब हमें चार या पांच बहुत है एग्जाम में लिखने के लिए, एक या दो पूछता है। अब हमें यदि उदाहरण पूछ ले जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या उदाहरण है, तो अब हम पहला उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे आइसोलेटेड कोई भी पॉइंट चार्ज है, यानी विलगित विद्युत आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। जैसे विलगित बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स कैसे होंगे। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव आवेश है, उसके कारण निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर होंगी। ऋणात्मक आवेश होगा, उसके कारण निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी, अंदर की ओर होंगी। तो पहला, इसके कारण निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज क्या है, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये चार्ज क्या है, क्यू इज लेस देन जीरो।
दूसरी अगला उदाहरण देखते हैं हम, इसका दूसरा उदाहरण कि आवेश युग्म की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आवेश युग्म की विद्युत क्षेत्र, आवेश युग्म की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे कोई दो आवेश रखे हैं जिनका परिमाण में समान है एवं प्रकृति में कैसे है, धनात्मक है, प्रकृति में ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी कोई दो आवेश है, मैं मान लेता हूं पहला आवेश ये रखा हुआ है और दूसरा आवेश ये रखा है, इनका क्या है परिमाण बिल्कुल क्या है समान है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है इक्वल, एवं प्रकृति कैसी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, मैं अभी पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं क्या होंगी, दोनों बाहर की तरफ निकलेंगे, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं निकलने वाली क्या होंगी बाहर की ओर, इसके द्वारा भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये वक्रकार के रूप में होती है तो यहां से क्या होंगे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा प्रतिकर्षण, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं कैसे हो जाएंगी ऐसे वक्रकार मार्ग में क्या हो जाएंगी मुड़ जाएंगी। ये वक्रकार मार्ग में क्या हो जाएंगे मुड़ जाएंगे, राइट। अब यदि ऋणात्मक होता तो इनके बीच में क्या हो जाता है अट्रैक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाती धनात्मक से चलती कहां समाप्त हो जाती है ऋणात्मक में समाप्त हो जाती है। अब मैं इसमें एक कहूं कि ये तो हो गई युग्म की विद्युत क्षेत्र रेखा, यदि मैं इसमें कोई एक न्यूट्रल चार्ज रख दिया जाता है, कोई न्यूट्रल चार्ज एन रख दिया जाता है, इनके बीच में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में कोई एक आवेश रख दिया जाता है, मैं आवेश न्यूट्रल चार्ज नहीं रख के मैं कोई चार्ज रख रहा हूं, यहां पर क्या रख रहा हूं कोई मैं चार्ज रख रहा हूं, मैं मान लेता हूं ये चार्ज को Q1 मान लेता हूं, ये चार्ज को मैं Q2 मान लेता हूं और कोई चार्ज मैंने इनके बीच में Q रख दिया, तो क्या होगा दोनों इनके बीच में क्या लगेगा इस आवेश और इस आवेश के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस आवेश के बीच में इस आवेश के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या होगा दोनों आवेशों द्वारा आरोपित इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा भी इस पर बल लगेगा, तो क्या होगा दोनों आवेशों के बीच में जब एक आवेश रख दिया तो दोनों आवेशों द्वारा क्या होगा दोनों आवेशों द्वारा आरोपित यानी ये आवेश और ये आवेश द्वारा इस आवेश पर आरोपित आवेशों द्वारा आरोपित बलों के परिमाण क्या है समान, क्योंकि आवेश के इसका भी परिमाण इतना है, यदि ये आवेश एक ज्यादा परिमाण का होता है मैग्नीट्यूड का और एक कम मैग्नीट्यूड का तो डेफिनेटली आरोपित बल भी क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है, परंतु यहां मैग्नीट्यूड कैसा है समान, परिमाण समान तथा दिशाएं क्या हो गई इनकी विपरीत है, तथा दिशाएं कैसी हैं विपरीत, जिसके कारण विपरीत हैं इसलिए दोनों आवेशों के मध्य परिणामी बल शून्य होता है, परिणाम बल क्या होता है शून्य होता है, अर्थात यह आवेश ना तो इधर गति करेगा ना ही इधर गति करेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर इसको खींचेगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, इसलिए दिशा तो क्या हो गई विपरीत परंतु मैग्नीट्यूड क्या है समान। अब यदि हम कहते हैं कि यदि दोनों आवेशों के परिणाम समान नहीं है ये तो लगने वाला परिणाम बल यानी F बराबर क्या होगा जीरो, यदि इनके बीच में परिणामी बल शून्य ना हो, मैं कहता हूं कि परिणामी बल क्या है शून्य नहीं है, तो ये जो न्यूट्रल चार्ज होगा ये आवेशों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर न होकर क्या होगा जिसका परिणाम ज्यादा है उधर क्या हो जाएगा चला जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, मैं मान लेता हूं ये चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से क्या है बड़ा है, यानी Q1 चार्ज ये था, Q2 चार्ज ये था पॉजिटिव, और कंडीशन में लगा रहा हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो
डेफिनेटली ये जो न्यूट्रल चार्ज था यहाँ पर जो परिणाम था, तो ये डेफिनेटली ये इसकी अर्थ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट मिलाने वाले परिणाम ही रहेगा, होना कहाँ चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ पर। मैं मान लेंगे Q1 दूरी से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी से, Q2 दूरी से ये कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर। तो हम निकाल सकते हैं कि ये आवेश कितनी दूरी पर गया। तो निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कूलम्ब लॉ के द्वारा, इस आवेश के द्वारा मैं मान लेता हूं ये आवेश क्या है Q, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल बराबर क्या लग जाएगा, के Q1 इंटू Q बराबर कितनी दूरी, R1 स्क्वायर बराबर इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल बराबर के Q2 इंटू Q बराबर R2 स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यह आवेश कितनी दूर तक गया, तो ये दूरी आ जाएगी इनकी कि R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगी Q1 बटे Q2। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब हम एक चीज ये रखें, तो हमने आज विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा, लास्ट में एक चीज ये बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो आवेशित कण का पथ नहीं होती है, ये केवल और केवल क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है, यह हमारी क्या है, एक भ्रांति है। जो इनका ये पथ हमने दिखा रखा है ये केवल क्या है, इमेजिनरी लाइन्स। तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव आवेश के कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर है, नेगेटिव आवेश के कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर है। तो ये कौन सा है, नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश, ये कौन सा है, नेगेटिव आवेश। तो आज के इस लेक्चर में हमने विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ा, इनको आप नोट्स बनाएं, धन्यवाद।